The raging fire lit up the heavens. प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आने ही वाला है। दोस्तों, वे दिन आ पहुंचे हैं जब एक्सीडेंट हो रहे हैं, समस्त पृथ्वी में जलजला सा वातावरण छाया। दोस्तों, इस वीडियो में पवित्र आत्मा पकी दाग के गुच्छों को काटने वाले स्वर्गदूत का दृश्य दिखाने वाला, दूसरी कटनी के आरंभ को दर्शाने वाला। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन महसूस कर सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं। इस चैनल हम सदैव इसी प्रकार की वीडियो अपलोड कर। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय। दोस्तों, रैप्चर टाइम ऑफ सेकेंड एक्सीडेंट, प्रभु की अधिकार पूर्ण आवाज के सुनाई देते ही समस्त सृष्टि थर थर कांपने लगेगी। भयंकर भूकंप आएगा और यही भूकंप बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर देगा। पायलट और ड्राइवरों की आत्माएं जब पृथ्वी की देह को त्याग कर बाहर निकल जाएंगी, तब विमान क्षतिग्रस्त होंगे, भयंकर एक्सीडेंट होंगे। विश्वासी वैज्ञानिकों की आत्माएं जब देह त्याग देंगी, तब अंतरिक्ष में विचरण कर रहे सैटेलाइट्स और वैज्ञानिक उपकरण आसमान से पृथ्वी पर गोलों की नाई टपकने लगेंगे। दोस्तों, ये घटनाएं दूसरी घटनी के प्रारंभ होते ही घटने वाली है। विचार करें, जब प्रारंभ इतना दर्दनाक है तो कटनी होगी तब कितना हाहाकार मचेगा। तो आइए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से घटने वाली इस दूसरी घटना को समझने का ज्ञान मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज की इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आप घटने वाली रैप्चर टाइम की दूसरी घटना को हम समझाने वाले हैं। तो प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी रीति से समझ सकें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 14:20 और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। दोस्तों, दर्शन के इस पद में सर्वप्रथम योहन्ना जी ने लिखा है कि नगर के बाहर परमेश्वर के प्रकोप के रसकुंड में दाख रौंदे गए, अर्थात परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम से बाहर प्रत्येक व्यभिचारी, प्रत्येक समलैंगिक और प्रत्येक अत्याचारियों को उनके अधर्म का दंड मिलेगा। हम इस बात को जान चुके हैं कि इज़राइल और हमास की जंग में मरने वाले प्रत्येक निर्दोष अंत के दिनों में दिखाई देने वाली परमेश्वर की वेदी को चित्रित कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा प्रभु भी निर्दोष और निष्कलंक बलि बनकर क्रूस पर कुर्बान हुआ। प्रकाशित वाक्य 9:18 में लिखा है, विनाश के पुत्र के कार्य का आरंभ होते ही पृथ्वी के एक तिहाई मनुष्य मार डाले जाए, वे जानते भी नहीं होंगे कि क्या हो रहा और उनके प्राण देह को क्या। दोस्तों, विनाश के पुत्र द्वारा एकत्र होने वाली सेना भयंकर नरसंहार करेगी। आप अपने मत को कमेंट में अवश्य लिखें। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर। वाक्य के पद में लिखे वचन के अनुसार और हमारे आकलन के अनुसार हमें लगता है अग्नि पर अधिकार रखने वाला, वेदी से बाहर निकलने वाला सहयोगी स्वर्गदूत एलियन हो सकता। दोस्तों, उन दिनों धर्म का त्याग हो चुका होगा, मनुष्य के हृदय में बसे प्रेम की भावना को विनाश का पुत्र पुनर्जीवित होकर झूठे प्रचारों के सहारे समाप्त कर चुका होगा। तकनीक और भी ज्यादा विस्तार कर चुकी होगी। सो ऐसी शक्तियों को उन दिनों सिर्फ और सिर्फ वही शक्ति दंड दे सकती है जो लगातार बढ़ती हुई तकनीक से ज्यादा पावरफुल हो। और हमारा आकलन कहता है यह शक्ति अपने पास एलियंस रखते हैं। सो घटने वाली घटना को आइए ध्यान से समझें। स्वर्गदूत को आदेश मिला कि जाए और पकी हुई दाग के गुच्छों को काट ले। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9:14-15 में लिखे वचन बताते हैं, दूसरी कटनी की अधिकार पाए स्वर्गदूत ने फुरात महानद में बंधे हुए चारों स्वर्गदूत को
चारों दूतों को खोल दिया जो इन्हीं दिनों हाहाकार मचाने के लिए तैयार किए गए हैं। विनाश करने वाले ये भयंकर शक्तिमान दूत समय समय पर अपनी झलक पृथ्वीवासियों को दिखाते रहते हैं। वैज्ञानिक इन परग्रहियों को एलियंस कहते हैं। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को शेयर जरूर। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे इस पद के अनुसार पकी दाख के गुच्छों को रौंदने वाले स्वर्गदूत सर्वप्रथम प्रत्येक अधर्मियों को परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम से बाहर निकालेंगे। नगर से बाहर मनुष्य तभी निकलता है जब नगर में भयंकर अति भयंकर विपदाएं आती है। दोस्तों, उन दिनों राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सामर्थ के साथ यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर उतरेंगे। उनके उतरते ही भयंकर भूइडोल हो भयंकर आग बरसेगी। यरूशलेम के पवित्र मंदिर के सामने शैतान द्वारा खड़ी कराई गई घृणित मूर्ति में भयंकर विस्फोट हो प्रत्येक व्यभिचारी समलैंगिक और अत्याचारियों का दिल दहल जाए। वे थरथराने लगेंगे, स्वयं ही डर कर यरूशलेम के पवित्र नगर से बाहर निकल आए। प्रत्येक विश्वासी आनंद में भरकर प्रभु परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने लगे। नगर से बाहर मंदिर से बाहर निकलने वाला स्वर्गदूत वेदी की आग से बाहर निकलने वाला स्वर्गदूत विनाश के लिए तैयार हुए ये चारों स्वर्गदूत जो संभवतः एलियंस होंगे विनाश का पुत्र ये सभी मिलकर भयंकर नरसंहार करेंगे। प्रत्येक अधर्मी प्रत्येक अत्याचारी प्रत्येक अन्यायियों उस प्रकार रौंदने लगेंगे जैसे पकी हुई दाख के गुच्छों को रौंदा जाता है। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रकाशित वाक्य के इस पद में आगे लिखा है रस कुंड से इतना लहू निकलेगा कि घोड़ों की लगामों तक। दोस्तों, पूर्व समय में नगर की पवित्रता को अशुद्ध रक्त से बचाने के लिए अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा नगर के बाहर दी जाती। इस पद में भयंकर रक्तपात के दृश्य को दिखाकर पवित्र आत्मा अविश्वासियों को मिलने वाली भयंकर यातना परमेश्वर के भयंकर क्रोध और दंड को प्रकट कर रहा है। यशायाह की पुस्तक उसके 63 अध्याय के 3 पद और विलाप गीत उसके 1 अध्याय 15 पद में लिखे वचन स्पष्ट करते हैं। जब यह महाभयंकर दंड उंडेला जाएगा तब परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम में नियत पर्व मनाया जा रहा है। लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें कर रहे हैं। दोस्तों, गूगल में मिली जानकारी के अनुसार यहूदियों का पर्व नियत पर सितंबर माह में मनाया जाता है, अर्थात वो महीना जब पकी हुई दाखों को रौंदा जाए सितंबर माह में। जब यरूशलेम में उपस्थित अधिकतर यहूदियों को परमेश्वर के स्वर्गदूत आग की तरह रौंदेंगे। यरूशलेम के पवित्र नगर से बाहर भयंकर रक्तपात। इस बार सितंबर बीतने के बाद इजराइल के उस नगर में रक्तपात हुआ जिस नगर का नाम तेल अबीब है। इस नगर के लोग उस घृणित पाप को समर्थन देते हैं जिस समलैंगिक पाप के कारण सादोम में परमेश्वर ने भयंकर आग को बरसाया था। इस बार बरसी हुई आग को देखकर संभवतः यहूदी अपना मन फिराने लगे, परमेश्वर के वचन में लिखी भविष्यवाणियों को महत्व देने लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि पृथ्वी पर पकी दाग के गुच्छे वे प्रत्येक लोग हैं जो परमेश्वर की योजनाओं के विपरीत जीवन जीते हैं। भले ही उनके कर्म आचरण और व्यवहार अच्छे हैं पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उन्हें वो दंड और उस दर्द को सहना पड़ेगा जो दूसरी कटनी के समय अत्याचारी और व्यभिचारी व्यक्ति के लिए नियुक्त हुआ है। हालांकि परमेश्वर उन्हें आने वाले महाक्लेश की पीड़ा से बचाएगा पर स्वयं की मूर्खतावश वे उस कष्ट को सहेंगे जो कष्ट पापी अधर्मी व्यभिचारी और अत्याचारी व्यक्तियों के लिए नियुक्त हुआ है। सो अभी भी अवसर है मनुष्य परमेश्वर की योजना को समझे, आने वाले दंड को भुगतने से स्वयं और अपने परिवार को बचा ले। स्मरण रखे एलियंस को वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में पवित्र आत्मा कहता है
अपने वस्त्र नहीं मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।